जिले के पुंजापुरा रेंज में शिकारियों ने फॉरेस्ट गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। जंगल की रक्षा में शहीद हुए वन रक्षक मदनलाल वर्मा की आत्मशक्ति की कामना हेतु सेन समाज द्वारा श्रद्धांजलि सभा सिविल लाइन स्थित संत शिरोमणि सेन जी की प्रतिमा स्थल पर आयोजित की गई। समाजजनों ने स्वर्गीय वर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर मोमबत्ती जलाकर एवं 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष अनिल परमार ने बताया कि स्वर्गीय वर्मा ने बगैर हथियार के बदमाशों को ललकारा, भागने लगे तो बाइक से पीछा किया। बदमाशों ने बंदूक दिखाई पर वे नहीं रुके और डटकर सामना किया। समाजजनों ने वन की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीद स्वर्गीय वर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। श्रद्धांजलि सभा में अनेक समाजजन उपस्थित थे। बताइए, आज आपका जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम था वो किस लिए था? देखिए, ये श्रद्धांजलि सभा हमारे वन कर्मी मदन लाल जी वर्मा, जो कि कल उनको रात्रि के दौरान ये वन में पदस्थ थे, अपनी ड्यूटी का कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, उसी समय कुछ असामाजिक तत्वों या लकड़ी के तस्करी द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसमें आज पूरे सेन समाज में रोष है और उसी के चलते ये विनम्र शोक श्रद्धांजलि का सभा रखी गई है, जिसमें उनको 2 मिनट का मौन दिया गया है, मौन रखा गया है और पूरे सेन समाज आज रोष फैला हुआ है समाज में। तो उसके लिए सेन समाज जन सभी मांग करते हैं कि इनको शहीद का दर्जा प्राप्त हो और इनके परिवारजन को आर्थिक सहायता मुहैया करवाया जाए और अनुकंपा के तहत परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी पर पदस्थ किया जाए, इसी को मांग को लेकर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और 2 मिनट का श्रद्धांजलि सभा दी गई है। आपका नाम? अनिल परमार, सेन समाज देवास जिला अध्यक्ष।